किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा था और मंगलवार को आदेश जारी करने की बात कही थी, लेकिन भाजपा के सांसद किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते नहीं थक रहे हैं। भाजपा के सांसद एस मुनिस्वामी ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन किए जा रहे हैं उनके लिए किसानों को पैसा दिया जा रहा है। कर्नाटक के ट्रॉलर से भाजपा सांसद मुनिस्वामी ने किसानों को लेकर यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बिचौलिए हैं या फर्जी किसान, ये पिज्जा बर्गर और केएफसी का खाना खा रहे हैं, वहां उन्होंने जिम बनाया है, अब ये ड्रामा बंद होना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में बैठकर किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।